हेलो गाइस, सरताज किचन में आपका स्वागत है। आज बना रहे हैं मंडे की दम बिरयानी। आओ बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने कुकर रख दिया है। सबसे पहले तेल डालेंगे हम। प्याज सबसे पहले जिन्हें प्याज फ्राई कर लेंगे। इसको हमें तेज गैस पे इसको हमें फ्राई करना है। हमें लाल कलर में इनको एकदम, ये हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। अब हम अंडे फ्राई करेंगे। मैंने इनके कट लगा दिए ऐसे इस टाइप से, और थोड़े थोड़े इनको साइडों में भी कट लगा दिए। इनको मैं फ्राई कर लेती हूँ। अब हम डालेंगे तेज पत्ता, बड़ी इलायची, काली मिर्ची, लौंग मिर्ची, छोटी इलायची, दालचीनी और जीरा। इसको हम फ्राई कर लेते हैं। अब मैंने प्याज ऐड कर दिए। इसी के साथ ऐड करेंगे मैं लहसुन और अदरक और हरी मिर्ची कुटी हुई। अब मैं डालूंगी पुदीना और धनिया जो मैंने काट लिया है। इसी के साथ ऐड करूंगी मैं दो टमाटर। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब मैं डालूंगी मसाले। अब डालूंगी मैं 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। साथ में ऐड करूंगी मैं हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच। मैं बिरयानी मसाला। अब ऐड करूंगी मैं नमक। इसको अच्छे से पकाएंगे। हमारे मसाले पक चुके हैं। अब इसमें डालूंगी मैं दही। फ्रेश दही है, ज़्यादा खट्टा नहीं है। अच्छे से मिक्स करना है, इसको छोड़ना नहीं है। छोड़ने में फट जाता है दही। इसको बराबर चलाते रहें। अब डालूंगी मैं गरम मसाला 1/2 चम्मच। अब ये हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है दही में। मैंने पानी बिल्कुल डाला। पानी में अब ऐड करूंगी, मैंने 2 कटोरी चावल लिए, मैं 4 कटोरी पानी डालूंगी। अब डालूंगी मैं चावल, मैंने धो लिए। इनको मैंने 10 मिनट भिगोया, ज़्यादा नहीं भिगोया। अब डालूंगी मैं वो प्याज जो मैंने फ्राई किए थे। साथ में ऐड करूंगी थोड़ा सा पुदीना। आप नमक टेस्ट कर लें, कम ज़्यादा हो तो। अब हम डालेंगे एक एक करके अंडे। बंद कर देते हैं हम कुकर और 2 सीटी लगा लेते हैं। अंडे की बिरयानी तैयार हो चुकी है। अब इसको हम प्लेट में निकालते हैं मिक्स करके। ये हमारी अंडे की बिरयानी तैयार है। खाएं, बनाएं, सबको खिलाएं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।